शिव योग इज नोइंगनेस, नॉट इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से ही मैं, वहां तो अद्वैत है, भगवान का नाम आया तो द्वैत हो गया, ये क्या बात हुई। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा अभागा हूं, अब तो स्वयं हो गया और तुम, और जब भगवान का नाम तो तुम क्या कर रहे हो। सभी कुछ मैंने ही करना है, आई ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं। वास्तव में शिवोहम शिवोहम, सा शिवा सोहम हम सा शिवा सोहम सोहम हम सा शिवा। तो ये लिंगाष्टकम जब करें तो ये सोचना कि मेरे बारे में हो रहा है, स्वयं का ध्यान करना। शिव योग क्या कहता है, आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके राम आप होकर रहते हैं। आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके राम आप होकर रहते हैं, क्योंकि परम आनंद और परम सुख तुम्हारे भीतर ही छुपे हुए हैं। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर से अनेकानेक द्रव्य अनेकानेक पदार्थ इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन आखिरी सीढ़ी सब मिट्टी है, वो कुछ न दे पाएंगे। मिलना भीतर से ही है, खोजना होगा। उसके लिए शुद्धि परम आवश्यक है, प्योरिफिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए अपने को शुद्ध करना होगा, और शुद्ध सबसे आसान तरीका है शिव योग। शिव अनंत, योग उसके साथ मर्ज कर जाना। उस अनंत के साथ जब मैं एक हो जाऊंगा, वो परम शुद्ध अवस्था है, मेरा मैल भी धुल जाएगा, मैं भी चमकना शुरू हो जाऊंगा। शिव योग, प्रत्येक संकीर्तन तुम्हारा शिव योग की अवस्था होनी चाहिए। साधना सेवा संकीर्तन, संकीर्तन ध्यान संकीर्तन होना चाहिए। वो संकीर्तन करते करते तुम खो जाओ और वो रह जाए तो वास्तविक संकीर्तन हुआ, और ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। भजन नहीं गाना, ध्यान संकीर्तन।